नमस्कार बंधुरा आमी रंजन तुम्हारा देखो टेक ऑनलाइन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो बंधुरा देखो आमी गूगले सार्च कर आज के कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर रिक्रूटमेंट 2021 तो सेखाने कि लेखा है देखो कोलकाता पुलिस रिक्रूटमेंट जॉब नोटिफिकेशन रिलीज फॉर टोटल 700 वैकेंसी कोलकाता पुलिस 2021 इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो ये देखते नेम ऑफ द डिपार्टमेंट कोलकाता सिविक वॉलंटियर फोर्स कोलकाता सिविक पुलिस डिपार्टमेंट ठीक है। पोस्ट नेम सिविक वॉलंटियर जॉब लोकेशन कोलकाता नंबर ऑफ वैकेंसी 700 रिजल्ट स्टेटस कोलकाता पुलिस रिक्रूटमेंट 2021। तो तुम्हारा देखते ही पाच तो विस्तारित देखो से डिटेल्स तुम्हारे ठीक है। तो डिटेल्स देखान आगे हमें से वेबसाइट नहीं जाब तुम्हारा देखते ही पाच एखे क्योंकि विस्तारित सब ही दिए दीजिए तुम्हारा चाहिए एखे देखिए देव देखो सिविक वॉलंटियर रिक्रूटमेंटर जो विज्ञप्ति से प्रकाशित हो सिविक वॉलंटियर रिक्रूटमेंट 2021 चेक डिटेल नाउ ठीक है। तो हमें एखे डिटेल्स चेक कर नब देखो साम सिग्निफाइड फैक्ट अबाउट सिविक वॉलंटियर रिक्रूटमेंट 2021 बोर्ड नेम तुम्हें देखते कोलकाता पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट www.kolkatapolice.gov.in। तो ये पोस्ट डिटेल्स है सिविक वॉलंटियर टोटल वैकेंसी आज वैरियस वैकेंसी आज ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन थ्रो ऑफलाइन ऑफलाइन तुम्हारे रिक्रूटमेंट करा हबे ठीक है। जॉब लोकेशन वेस्ट बेंगल कैटेगरी सिविक वॉलंटियर फॉर जॉब 2021। तो इसमें देखे नब एडुकेशन क्वालिफिकेशन तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन देखे नब हम तरह ये बांगल्ला कर नब ताहले तुम पढ़ते और सुविधा है। देखो एखे शिक्षागत योग्यता कि बोले देखो देखो नागरिक पुलिस नियोगे योग्यता मानदंड 2021। तो प्रार्थी क्लास 8 और सर्वाधिक 12 प्लस 2 पास करा उचित मैं 8 पास हम न्यूनतम तुम्हारा आवेदन करते प्रार्थी को थाना को अपराधमूलक रेकर्ड थकते हैं मैं प्रार्थी जे आवेदन करें तरह नामे को थाना से ही आंदाजे थाना किंबा वेस्ट बेंगल किंबा सारा भारतवर्ष को जगह किंतु को क्रिमिनल रेकर्ड थे क्योंकि है ना प्रार्थी शारीरिक और मानसिक भाव फिट थकते हैं ठीक है। मैं शारीरिक और मानसिक भाव तक अवश्य फिट थकते हैं एबार बयस प्रतिलिपि ठीक है 20-20 बचर बयस होते हैं न्यूनतम 1/1/2021 हिसाब से ठीक है। सर्वाधिक बयस प्रार्थी पा 60 बचर होते हैं एवं निर्वाचन प्रक्रिया मैं क्यों तुम्हारा निर्वाचन करा परीक्षा बेसिक साक्षात्कार बेसिक ठीक है। मैं तुम्हें परीक्षा है साक्षात्कार मैंने एखे इंटरव्यू कथा बोलिए इंटरव्यू माध्यम तुम्हें परीक्षा नियोग करा प्रशिक्षण। तो ये देखे ना पुलिस लाइने 10 दिन प्रशिक्षण देवे तम 10 दिन तुम्हारे ट्रेनिंग देवा पुलिस लाइने एक मासे एक दिन रिप्रेसर कोर्स ठीक है। मासे एक दिन रिप्रेसर कोर्स वो क्या आज से सठीक बोलते एखे से ही कोर्सर अनुसार तुम्हें करा प्रति मासे ठीक है। तो स्थापन स्थान ट्राफिक गार्ड और थाना तुम्हारे ट्राफिक कलकाता जो ट्राफिक गार्ड आज ट्राफिक गार्डे तुम्हारे नियोग करा और थाना नियोग करा ठीक है। तो इरपर देखे नब स्वास्थ्य सेवक नियोग परीक्षा धरन और पाठ्यक्रम मैंने कि सिलेबस थे देखो परीक्षा सिलेबस थकने साधारण इंग्रेजी ठीक है। जेखने प्रस्तुति पूरण पूरणकरण संस्थान पूरणकरण सजान व्यवस्था ठीक है। हमें इंग्लिशे देखे नब कि एक ठीक है। तो ये देखा फिल इन प्रिपोजिशन ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स अरेंजमेंट फॉर सेंटेंस गिव वर्ड ठीक है। ये सब थे 25 नम्बर मैथमेटिक्स थे 25 नम्बर जेनरल नॉलेज थे 25 नम्बर रिजनिंग थे 25 नम्बर टोटल परीक्षा है तुम्हारे क्योंकि 100 नम्बर परीक्षा है ठीक है। तो वॉलंटियर डे फॉर्म फिल आप फॉर्म कहते हैं ठीक है से देखे नब। तो तुम्हारा एखे देखो अपनी जो नागरिक स्वेच्छासेवक हिसाब से काज करते चान तब आपके नागरिक स्वेच्छासेवक नागरिक स्वेच्छासेवक मान सिविक ठीक है जो आवेदन पद्धति जानते हैं सरबराहित समस्त विवरण और समस्त उच्चकांक्षी आवेदनकारी सिविक स्वेच्छासेवक नियोग नीचे जेते हैं आवेदन पद्धति अनुसरण करते हैं सूतरा अनुसरण कर ठीक है। तर नीचे आसते बच्चे क्यों मैं आवेदन करा जाए देखो नागरिक स्वेच्छासेवक पोस्टर जो क्यों आवेदन करबें समस्त इच्छुक प्रार्थी योग्यता सत्व पूरण करते हैं सरकार देवा फर्मैट अनुसारे आवेदन जमा दीते हैं तरपर आपनर फर्मटी पूरण करारे आपके निजस्व स्वयुक्त स्व प्रजुक्ति मत शिक्षागत योग्यता बयस प्रमाण और परिचय प्रमाण साथे प्रयोजन समस्त नथि जुक्त करते हैं समस्त प्रयोजन नथि विषय विशद नीचे लेखा रही है मैं कि दीते हैं सेगल नीचे लेखा आज तपर कि आपनर खाम पूरण नथि पुलिस कमिशन अफिस कलकता 18 लालबाजार स्ट्रीट कलकता 701 प्रेरण करते हैं मैं एखे क्योंकि तुम्हें पाठाते हैं जेहतु ये अफलाइने।
তো নাগরিক স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট, তোমার কী কী ডকুমেন্ট লাগবে সেটা কিন্তু এখানে বলা আছে। দেখো সমস্ত প্রার্থীদের নথি জমা দিতে হবে, শিক্ষাগত প্রমাণ মানে শিক্ষাগত প্রমাণ মানে কি, মানে তুমি 8 পাস করলে 8 পাসের সার্টিফিকেট, 10 পাস করলে 10 পাসের সার্টিফিকেট, HS পাস করলে HS পাসের সার্টিফিকেট, বয়সের প্রমাণপত্র, জন্ম সার্টিফিকেট, ঠিক আছে। পিছনের শ্রেণী বিভাগের মধ্যে মানে SC ST OBC যদি থাকো তার তার একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে। একের পরে পাসপোর্ট সাইজ ফটো একটা মানে ফর্মে কিন্তু মারতে হবে। পরিচয় প্রমাণপত্র হিসেবে তোমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স এসব তো দিতে পারো। এছাড়া কন্ট্যাক্ট নাম্বার বা যোগাযোগের তথ্য, মোবাইল নাম্বার বা ইমেল আইডি তোমাকে কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে, ঠিক আছে। তো এখানে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের আবেদনের জন্য দেখো এখানে কিন্তু ডেট এখনো প্রকাশ করেনি, আবেদন শুরু করা হবে, শীঘ্রই আপডেট দেবে, ঠিক আছে। এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, তো এখানে আমি ইংলিশে করিনি, তোমার আরও ভালো বুঝতে থাকো, আপডেট শুনুন এখানে লেখা আছে, ঠিক আছে। তো অফলাইন লিঙ্ক এখানে দিয়ে দিয়েছে, এই অফলাইন লিঙ্ক কিন্তু কলকাতা পুলিশের দেখো অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ঢুকে যাবে, ঠিক আছে। এখানে যখনই কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে তখন কিন্তু ফর্ম চলে আসবে, ঠিক আছে। তো ফর্ম চলে আসলে কিন্তু আমি তোমাদেরকে নতুন ফর্ম ডাউনলোড করার সিস্টেম তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো এবং কীভাবে ফিল আপ করবে ফর্ম সেটা কিন্তু তোমাদেরকে আমি ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে, যাতে কোনো ভুল না হয়, ঠিক আছে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল ভিডিওটি একটি লাইক করবে, ঠিক আছে, এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের পাশে থাকার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, ঠিক আছে। এরকম চাকরি খবর খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য। তো যখনই নতুন এই বিষয়ে বা সিভি ভলান্টিয়ার বিষয়ে নতুন কোনো আপডেট পাবো তখনই কিন্তু আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ অফিস অফ দ্য কমিশনার অফ পুলিশ কলকাতা 18 লালবাজার স্ট্রিট কলকাতা, ঠিক আছে, 701। এই এখানে কিন্তু তোমাদের পাঠাতে যাবে, ঠিক আছে। তো এটি কিন্তু কোনো ভুয়ো খবর না, এটি কিন্তু নতুন খবর, ঠিক আছে। তো আমি কারণ আমি তোমাদের দেখো গুগলে সার্চ করে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো গুগলে যখন সার্চ করে তোমার সামনে করি, দেখো কলকাতা পুলিশ সিভিক রিক্রুটমেন্ট, ঠিক আছে, সিভিক দেখো ভলেন্টিয়ার রিক্রুটমেন্ট 2021 ওপরে লেখা আছে। আমি এটাতে যদি সার্চ করি তা কী লেখা আছে তোমরা দেখবা, ঠিক আছে। তো দেখো এখানে কলকাতা পুলিশ রিক্রুটমেন্ট জব নোটিফিকেশন রিলিজ, টোটাল 700 ভ্যাকান্সি এখানে দিয়ে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ কলকাতা পুলিশ রিক্রুটমেন্ট 2021, ঠিক আছে। তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা এখানে, তো এটা কিন্তু কোনো ভুয়ো খবর না, যখনই আমি নতুন কোনো আপডেট পাবো তখনই কিন্তু তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো, তার জন্য কিন্তু আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে, ঠিক আছে। তো আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্ত, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, জয় হিন্দ।